हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ की इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी देखने जा रहे हैं। चैप्टर के नाम में जो ग्लोबलाइजेशन है उसका मतलब है रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज, जो कि पॉसिबल हो पाता है मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। जो ट्रेड है ना, वही एक चीज़ है, एक चैनल है जिसके थ्रू दूर दूर की कंट्रीज कनेक्टेड हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ MNCs का है। MNC ऐसी कंपनी होती है जिनको एक से ज़्यादा कंट्रीज में चलाया जाता है। MNCs अपने ऑफिसेज और कंपनीज अलग अलग जगह पर सेट करती है, जहां पर उन्हें चीप लेबर और रिसोर्सेज मिल सके, ताकि वो उससे मोटा बेनिफिट कमा सके। जब भी पैसा किसी असेट को खरीदने में लगाया जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स या कोई और इक्विपमेंट, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और एक ऐसा ही इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक MNC अलग अलग कंट्रीज में एक साथ अपने प्रोडक्शन को लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके लोकल कंपनीज की सप्लाई को यूज़ करती है, जिससे लोकल कंपनीज को नए एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि नई हाईटेक मशीन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिससे लोकल कंपनीज को भी बेनिफिट होता है। और एक MNC इस तरह ही अपना प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में एक साथ कंट्रोल करती है। जब सामान एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाता है, तब लोगों को सेम टाइप के प्रोडक्ट्स में ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं, जिससे मार्केट में मिलने वाले सिमिलर प्रोडक्ट्स की प्राइस कम हो जाती है। और हज़ारों मील दूर बैठे हुए प्रोड्यूसर्स इंटरनेशनल मार्केट में एक दूसरे से कॉम्पीट कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर कंट्री, इसीलिए कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं। ट्रेड बैरियर्स को फॉरेन ट्रेड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इंपोर्ट्स के लिए टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, जो कि लोकल प्रोड्यूसर्स को बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज की मार से बचाता है। जब ट्रेड बैरियर को ढील दी जाती है, उसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है। और जब एक कंट्री की गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस कम करती है, तब उस गवर्नमेंट को लिबरल कहा जाता है। अपने इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जहां उन कंपनीज को पहले से ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। हम ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा डीप से समझते हैं। जब ग्लोबलाइजेशन होता है, तब कंट्रीज में ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजीज आती हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी के रैपिड डेवलपमेंट से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है, और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर लो कॉस्ट में प्रोडक्ट डिलीवर करना बहुत एक्सेसिबल हो गया है। इंडिया पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है? इंडियन मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स का है, जिससे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है। कंज्यूमर्स को बहुत सारी वैरायटी मिलती है, जिसमें उन्हें सिर्फ क्वालिटी ही नहीं बल्कि घटे हुए प्राइजेस भी देखने को मिलते हैं। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, और बहुत सी इंडियन कंपनीज भी आज मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं। ग्लोबलाइजेशन के साथ नई कंपनीज सेटअप होती हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि एक डिकेड में फास्ट ग्रोइंग IT कंपनीज। थोड़ा वर्ल्ड ट्रेड के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें अभी 164 कंट्रीज मेंबर्स हैं। ये WTO इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर रूल्स बनाती है, ताकि ये कंट्रीज सबको फ्री ट्रेड अलाउ करे, जिसमें बैरियर्स कम से कम हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।